प्रधान है जी आप। प्रधान जी आल हरियाणा के पहल खाप मुद्दे लेकर आज ये एक हमारी लड़की अलेवा गांव से कुसराना गांव में शादी शुदा थी जो कि कैथल की रहस है उनकी, और पिछले समय में उस लड़की के ससुर ने सुसाइड कर लिया, उसमें सुसाइड नोट लिख कर चले गए वो, और वो आपत्ति मेरे परिवार पर भी चली गई। हम उसके पीछे एसपी साहब से मिलने आए थे जी। हम यही कहने आए थे जी निर्दोष ना मारा जाए कोई जी। हाँ एसपी साहब ने क्या कहा? बड़ी संतुष्टिजनक बहुत ही बढ़िया जवाब दिया जी, आप बेचिंता रहो, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं आने देवांगे, निर्दोष को बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय। आप आश्वस्त हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं जी, हम तो जी पहले पुनिया खाप से भी मिले थे, आगे भी मिलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है जी। ये तो होता रहता है, जो आज संकट आया दो परिवारों के बीच में बहुत घिनौनी बात है, हम सामाजिक लोग तो एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं, बिखरना नहीं चाहते जी। तो लड़की को दो साल अंदर गर्क है, तो कब तक कह रहे हैं कि मामला जो है वो इंक्वायरी करने के लिए कहा जी, दो चार दिन में इंक्वायरी करके ना जी, वो लड़की में भी जो दोष ना मिला तो निकाल देंगे, ऐसी कोई बात को नहीं, हमें संतुष्ट होगा है सारी पंचायत। नॉर्मल दो चार अपने अपने परिवार ही मिले जी, पंचायत में जो ये मसला होता तो यहाँ तक नौबत भी नहीं आने देते हम जी। हम तो जी बड़े बड़े 302 और 307 के केस सुलझा देती है खापे, तो ये परिवार परिवार ने ही कराया ये, मतलब इकट्ठे हुए और जो इल्जाम लगाए गए थे क्या वो सही है? वो इल्जाम लगाए गए हैं आपको लगते हैं उसके परिवार ने इल्जाम लगाया सुसाइड का, लगता है आपको जो उनके सुसाइड की गई है उसमें कितना का रोल हो सकता है? हम तो ये 1% भी नहीं मानते जी, मतलब अपने दुख ने सब कोई कहता है, ये तो जी अपना दुख दूसरे के ऊपर थोप दिया जाता है, हम तो 1% भी नहीं मानते ये सत्य है उस परिवार की, लेकिन सत्य तो परमात्मा या वो परिवार ही जाने, हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं जी। क्या मांग करते हैं अभी प्रशासन से? हम प्रशासन से भी करते हैं, समाज से भी करते हैं, दोनों परिवार सुख से जो चला गया वो चला गया, बाकी जो रह रहे वो सुख से बसे, अच्छी तरह कैसे अपने बच्चों को लालन पालन करें, ये हमारा समाज और हमारी खाप का तो ये देह है कि हम उस परिवार से भी जुड़े रहो, ठीक है जी। रिश्ते बड़े टूटने वो न्यारी बात है, हम टूटने के करार पर नहीं जाने देना चाहते, सिर्फ हमें धोखा इस हमारी खाप का यही हुआ है कि हमारे संपर्क से बाहर ही उन पंचायतें या दो चार आदमी जो नज़दीकी थे उनके है सुझाव लिए, जे खाप का सुझाव लेते तो हम ये नौबत नहीं आने देते थे, हमारी हमारी नहीं हर खापे ऐसे घिनौने काम नहीं होने देती। करण सिंह चहल, क्या संबंध है सर आपका लड़की? लड़की मेरी भतीजी है जी। आज एसपी साहब से मिले हैं, संतुष्ट हैं सर उनकी से मिलकर? संतुष्टि तो पत्रकार महोदय उसके बाद होगी जब मामला कुछ नज़दीक लगेगा जी। अभी मामला नस्ता अभी जो नज़दीक लगता वास तो नहीं लग रहा जी। जो गलत फंसाए गए हैं जी। उसमें मतलब ना तो कभी किसी ने थ्रेटिंग उस मरने वालों को कभी थ्रेटिंग दी जी। ना कभी फ़ोन पे धमकी दी जी। ना कभी रास्ते में धमकी दी, उसके बावजूद भी अगर सुसाइड नोट लिख कर मरता क्यों लिखा है, कि उसका पारिवारिक मामला है क्या है जी। उसके बेटे से उसको दर्द था या क्या था क्यों मरा है, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन जो एलिगेशन लगाए गए थे क्यों लगाए गए थे किन परिस्थितियों में लगाए गए थे उस मामले में हम जाना नहीं चाहते। आप तो इतना चाहते हैं कि जो इसमें नाजायज फंसा रखे हैं, झूठे नाम लिखवा रखे, उनको एसपी साहब निकाल दे, पुलिस निकाल दे, तो हम तब इस पुलिस का सम्मान भी करेंगे, तभी हमें न्याय मिलेगा। एसपी साहब ने क्या? एसपी साहब ने कहा कि किसी बेकसूर को फंसाएंगे नहीं, किसी बेकसूर को हम इसमें नहीं रोक करेंगे, और जो बेकसूर होगा उसको हम निकाल देंगे। तो आपको लगता है अभी 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 देखो आज एसपी साहब पे हमें विश्वास करना चाहिए, प्रशासन में विश्वास करना चाहिए, और हम इसी विश्वास को लेकर आए हैं कि एसपी साहब हमें न्याय देंगे, जो नाजायज़ के नाम लिखवा रखे उनको इस केस से बाहर करेंगे। तो क्या आपको लगता है जो सुसाइड नोट छत्र सिंह द्वारा लिखा गया था वो उनके द्वारा नहीं लिखा गया था? नहीं मैं ये नहीं कह सकता, ये तो FSL का मुद्दा है, मैंने उसको देख भी लिया है क्या है। मैं तो 4 महीने से 5 महीने से पुनिया से मिला भी नहीं था जी। मैं तो एक पंचायत पहले बुलाई थी, उसमें पुनिया साहब को समझाया भी था जी। कि जब उन्होंने तलाक ले लिया था गलती से ले लिया था, जानबूझ के ले लिया था, मुझे नहीं पता जी। लेकिन हमने तो ये कहा था पुनिया साहब इसको सामाजिक ढंग से निपटा लो, और जो पोती उस लड़की के साथ गई अपने उस पोती को वापस ले आओ और उसको सामाजिक ढंग से निपटाओ। लेकिन पुनिया साहब ने 2-3 महीने इस बात पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने क्या करना, उनसे लिखवाया भी आज पेपर भी, उस टाइम का जो पंचायती फैसला हुआ था 20-30 आदमी थे, वो लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी आपको दे देंगे। उन्होंने कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया इस बात में, ना कभी हमारे से मुलाकात थी। उस दिन के बाद जब उन्होंने बोल दिया था कि पुनिया साहब अपने लड़की को ले आओ, पोती को ले आओ,
और बाकी बात में करेंगे। परिवार के लोगों को साफ तौर पर कह रहा था कि हरासमेंट बार बार की जा रही है, कोई हरासमेंट रास्ते में रोककर बेइज्जती की, कभी कभी किसी को एक भी कोई तसंदी दिखा बता दे कि मेरे सामने पुनिया साहब को उन्होंने रोका तो हम मान जाएंगे। आपके अनुसार किन लोगों को गलत फंसाया गया? मैं तो आज तो मैं कह रहा हूँ सारे के सारे गलत फंसाए गए, लेकिन अगर एक बात मानूं कि जिसने एफ आई आर दर्ज करवाई है उसको छोड़ दो तो प्रकाश का और पूनम और दलबीर चहल इनको नाजायज फंसाया गया बिल्कुल, इनमें से कोई रोल नहीं है। प्रकाश का हमारे ताऊ का लड़का केवल उसका एक रोल है कि उसने शादी करवाई थी, वो बिचौला था क्योंकि वो जानता था पुनिया साहब को, और उसके बाद भी जो तलाक के बाद भी दोबारा शादी की, मंदिर में शादी की, उस टाइम भी प्रकाश ने इनिशिएटिव लेके पुनिया साहब के साड़ा ने परिवार के सदस्यों ने इनिशिएटिव लेके शादी करवाई थी, और उसके बाद भी जब लड़की के साथ बहुत मारपीट की, आज हमने जो MLR है जो उसमें मेडिकल रिपोर्ट है अभी दी है, जो उस लड़की के साथ जो जाती हुई थी जितना मारा पीटा गया था MLR का अभी SP साहब को दी है, SP साहब ने DSP को देने के लिए अपने आदमी को दिया, दे देंगे। वो तो योगेश ने मारा, जो हस्बैंड था उसने मारा पीटा। अच्छा ये बताइए कि जो अभी आपने मिले हैं, अब कितने इंतजार, कितने दिन इंतजार करेंगे इंक्वायरी का और फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? पत्रकार महोदय देखो इंतजार की बात नहीं होती, हमें न्याय चाहिए, मतलब जो गलत फंसा रखे हैं हमें उनका नाम बाहर चाहिए। अब कितना टाइम लगाएगा ये तो पुलिस पर प्रशासन पर डिपेंड करता है, अब मैं ये तो नहीं कि SP जाके कहूंगा तो आप लिख के दे दो, प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन आपकी जो खाप है चहल खाप आई है आज, चहल खाप में हमारे 250-300 आदमी है, अभी तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, अभी तो जब तक ये जो नाजायज फंसाए हैं ये जब भी मिलती रहेगी। दूसरे पक्ष की तरफ से पुनिया खाप आई है, आप लड़की पक्ष की तरफ से, मतलब उनसे भी बातचीत, लड़के के पक्ष की तरफ से आए थे, मतलब पुनिया खाप से बातचीत की जाएगी आपकी खाप की तरफ? नहीं देखो अभी इंस्टेंट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सामाजिक बातें हैं, खापे हैं, अभी 2-3 महीने बाद किसी रास्ते पे खापे आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, तो समाज के ऊपर डिपेंड करता है, पारिवारिक रूप से हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। हर चीज के ऊंचे दाम है, ना हाथों में काम है, अधिकार है ऐसी सरकार पर जो जो तरफाना काम है। सरकार के नकारापन, भेदभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने चाहे विधानसभा हो, मीडिया हो या और कोई मंच, हर जगह जनता के हित की बात उठाई है, और अगर आप चाहते हैं मैं आपके हक की, महंगाई व भ्रष्टाचार और राजघरानों द्वारा की जा रही लूट के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़े स्तर पर लड़ूं, तो अपनी सहमति व सहयोग के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए, ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।